वाह, क्या जबरदस्त एपिसोड था। इस बार एक साथ पोजनगल और सुयर है, तो ये अच्छा क्यों लगा? क्योंकि पिछली बार हमने एक साथ पोजनगल और मेडुसा को देखा था, जो ऑब्वियसली सेवन के भाई वाइफ होने ही वाले हैं। तो इसमें यह है कि जो सुयर है वो आएगी, इन सबको बताएगी। और दूसरी बात है कि पॉइजन गर्ल अभी एक ट्रू दोजुंग बन चुका है। ट्रू दोजुंग मतलब जो दोजुंग 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार 6 स्टार ऐसे होते हैं ना, तो जो पीक पे पहुंचते हैं, पीक लेवल पे दोजुंग होते हैं, उन्हें ट्रू दोजुंग बोला जाता है। तो कुछ नए पावर के साथ आई हुई है, तो लेट्स सी। और यहाँ थोड़ा सा जलसी वाला भी बात है, क्योंकि सुयार आया है, सेवन से इतने अच्छे से बात करता है, तो और फेरी डॉक्टर को जो थोड़ा सा मतलब जलसी फील होता है और वो थोड़ा सा दुखी होता है, तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी बिना देरी किए एपिसोड में जंप करते हैं। आप इसे एक रिव्यू वीडियो बोलो या फिर एक्सप्लेन वीडियो बोलो, पर जंप करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो सावियन और मस्ती नाव है, वो सोल प्लेस और रिवर वैली के एल्डर्स के साथ लड़ाई कर रहे हैं। बोट सावियन जो है बहुत ही इंजर्ड हो चुका है और अभी बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं। तो तभी वो फाइटिंग के बीच में लिटिल फेरी डॉक्टर वो आ जाती है और सेवन को बचा लेती है। तो अभी क्योंकि वो एक ट्रू दोजुंग है, तो वो एक बैरियर, पॉइजन बैरियर सेवन के चारों ओर बना देती है। और आप लोगों को पता है कि उसके पॉइजन से सेवन को कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, तो बना देती है और लड़ाई स्टार्ट कर देती है। तभी जो सोल प्लेस का जो अभी लीडर है वो बोलता है कि लड़की हमारे बीच में मत आ, सेवन और हमारा बहुत बड़ा ही दुश्मनी है, तो अगर तू आएगी तो तुझे भी मार डालेंगे। तभी फेरी डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा दुश्मन है तो मेरा दोस्त है, इसके साथ जो फाइट करेगा मेरे साथ भी फाइट करेगा। तभी हमें उन लोगों के बीच में फाइट दिखाया जाता है, जहां जो मेन लीडर होता है वो पोजन गर्ल के साथ फाइटिंग करने लगती है। बट जो उसके जो कुत्ते होते हैं मतलब चूजे, वो आते हैं सेवन को अटैक करने के लिए। बट जो पॉइजन बैरियर बहुत ही मतलब पावरफुल होता है, एक नया टाइप का पॉइजन ही बोलो, तो वो सबको जला के मार देता है। तभी मतलब क्योंकि दो ही दोजुंग है, ट्रू दोजुंग है, जो मास्टर नाओ और पॉइजन गर्ल, और सेवन भी बहुत इंजर्ड हो चुका है, फाइट करने के हालत में नहीं है, तो वो लोग वहां से जाना ही ठीक समझते हैं और जाने लगते हैं। मास्टर तिन्हाओ जो है वो एक स्पेस सोल क्रिएट करते हैं, जहां से वो लोग भागने वाले होते हैं, और ठीक भाग ही रहे होते हैं कि तभी जो रिवर आइस वैली का जो मास्टर होता है वो वहां चला जाता है, वो पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और एक अकेला ही सब पे भारी पड़ता है। तो अभी तो उनका जाना कैंसिल, अभी उनके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो मरना या फिर लड़ना। तो लड़ाई करते हैं, तो जो रिवर वैली का जो मास्टर होता है उस पे पॉइजन गर्ल अपना एक अटैक करता है, पॉइजन नीडल का अटैक करता है, उसे वो सोख लेता है। सोख लेने के बाद हमें पता चलता है कि जो रिवर वैली का जो मास्टर है उसके पास भी एक रिफाइंड मतलब बोलो तो पॉइजन गर्ल का जो बॉडी है उससे ज्यादा ही रिफाइंड बॉडी है, सोख लेता है। वो बहुत ही टेस्टी मतलब पॉइजन था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ऐसा ही होता है। अभी वो अपना जो स्नेक अटैक करता है और वहां दोनों पॉइजन गर्ल और हमारे जो मास्टर तीन है वो फंस जाते हैं, और सेवन एक फॉर्मेशन जो फायर लोटस, 3 फायर लोटस मतलब 3 फायर मिलके जो लोटस बनता है वो अटैक करने ही वाला होता है, और मतलब हारने के पूरा करीब। तो तभी सडनली कुछ लोग अपीयर होते हैं, और आप लोग जानते हैं वो कौन है, साउ फैमिली के मतलब सुयर के फैमिली के दो एल्डर्स आते हैं चुटकियों में, जो मतलब आइस वैली का जो लीडर का अटैक होता है उसे मिटा देते हैं, और अभी सब लोग मतलब बच जाते हैं। तभी हमारा जो मेन हीरोइन है, मेन लीड है, सुयार आती है। भाई नया लुक बहुत ही जबरदस्त है, पता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी जो अभी पावरफुल हुई है ना, तो लुक में एक्चुअली कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, उसका जो न्यू हेयर स्टाइल है इसके लिए ही सुयार बहुत ही डिफरेंट दिख रही है, और पावरफुल तो वो पहले से थे ही। तो अभी जो सुयार आ चुकी है और देखती है कि सेवन बहुत ही इंजर्ड है, तो वो बोलती है कि सेवन ब्रदर को जिस लोगों ने भी इंजर्ड किया है उनको तो छंडने वाली है। तो अभी वो सेवन के साथ थोड़ा सा बात करती है, और जो उसके एल्डर्स होते हैं उनको ऑर्डर देती है कि उन लोगों को मारो। तो दोनों जाके एक अंडर जाते हैं, और दो मतलब सोल प्लेस के जो लीडर है और जो आइस रिवर वैली के एल्डर्स हैं उसके साथ उन दोनों को जबरदस्त पीटता है, और दूसरा जाता है आइस वैली के लीडर को जबरदस्त पीटता है। तो तभी फाइटिंग होता है, फिर जो चूजे होते हैं सोल हल के वो सेवन पे अटैक करते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से उनको मतलब उसकी जो सुयार का जो गोल्डन फ्लेम होता है
उससे जला दे दिया सबको, बहुत ही अच्छा मतलब पीसफुल डेथ उनके लिए। फिर रिवर वैली का जो लीडर होता है वो पूछता है ये लड़की कौन है और इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, तभी एक एल्डर हंस के बोलते हैं तो इनके बारे में नहीं जानती ये हमारे जो एंशिएंट, मेरे को सुयार के जो फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं है, उनके क्लान के बारे में कुछ मतलब नॉलेज नहीं है तो छोड़ते हैं, ये एंशिएंट क्लान की एक लौती वारिस है, एक लौती वारिस मतलब अभी वो ऊपर है जो कि लीडर बनने वाली। तो वो सुनते ही जो रिवर वैली का मास्टर होता है वो चौंक जाता है और बोलता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग था और हमने गलती से सावियन और पॉइजन गर्ल पे अटैक किया था, ये गलती नहीं होगा। तभी सुयार बोलती है कि ये डिसीजन जो है वो सेवन ब्रदर ही लेंगे क्योंकि तुम लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया था। तो अभी क्या होता है कि सेवन बोलता है कि ठीक है अब हम तुमको इस बार छोड़ देते हैं बट आगे से कभी भी ना तो तुम पॉइजन गर्ल को परेशान करोगे या फिर मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करोगे। तो वहां जो रिवर वैली के जो मास्टर होते हैं वो एग्री हो जाते हैं और वहां से छू। और ये दूसरी तरफ जो सोलहल का जो अभी मास्टर है मतलब लीडर है इस गैंग का, वो बोलता है कि सेवन हमारा दुश्मन है उसे हम जैसे ही पकड़ेंगे, उसे चुटकियों में खत्म कर देता है जो हमारा सुयार होता है, तो उसको खत्म कर देता है, उसका सोल लेता है और सेवन को दे देता है भाई से। तब अभी तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो चुका है, सेवन और सुयार के बीच में कुछ बातें होती हैं और साइड में हमें पॉइजन गर्ल को दिखाया जाता है जो थोड़ा सा मैं मतलब मायूस है क्योंकि सेवन सावियन को अपने बचपन की प्यार जो मिल गई। तो अभी सेवन बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम बहुत ही ताकतवर हो लेकिन इतनी ताकतवर हो मुझे को नहीं पता था। तो सुयार भी बोलती है कि नहीं भाई मुझे जो ताकत मिली है वो विरासत में मिली है और ये मेरा ट्रू पावर नहीं है, लेकिन आपने जो मुकाम हासिल किया है वो आपका खुद का मेहनत है, आपने खुद मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंच चुके हो। तो तभी उन दोनों के बीच में बात होती है, फिर सुया मतलब वन ऑफ द बेस्ट बोलो, उसे सिर्फ सावियन का प्यार चाहिए, सावियन कितनों को प्यार करता है कितनों को शादी करता है उससे मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो तभी देखता है कि जो मतलब पॉइजन गर्ल है वो दुखी है तो खुद से जाती है उसके साथ बात करती है कि और सिस्टर साहू आपको पता है कि जो पॉइजन गर्ल का नाम साहू है, तो सिस्टर साहू आपके बारे में बहुत सुना है सेवन ब्रदर से और आपको आपसे मिलकर अच्छा लगा और वी मे बिकम गुड फ्रेंड्स ऐसा बोल के हैंडशेक करते हैं और यह होता है हमारा एपिसोड खत्म। बट एपिसोड खत्म होने से पहले कुछ बता देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो एपिसोड आने वाला है वहां दो चीजें होने वाला है, एक तो जो जनरल होता है सुयार को पहले जो लेने आया था उसके साथ सेवन का फाइट होने वाला है और दूसरा जो है अल्केमी 17 एपिसोड 17 में अल्केमी वेस फाइट होने वाला है। अभी तो दो जुंग दोंगुआ इन सब का फाइट चल रहा था, अभी जो अल्केमी वाला है क्योंकि हमारे सेवन के पास अभी चार सबसे ताकतवर फ्लेम्स हैं तो अभी अल्केमी में और कुछ दिन जाएगा। बट आई रियली होप कि हमें सुयार पॉइजन गर्ल मेडुसा और जो उसका नाम इन्यू उन चारों को एक साथ देखने को मिले। पता है बहुत ही मतलब बहुत दिन लगेगा बहुत सारा एपिसोड जाएगा बट आई होप कि हमें जल्दी से इन चारों का झलक एक साथ मिल जाए। अब मेरे को कुछ नहीं कहना, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा बताइएगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सुया माय सेकंड फेवरेट, एक्चुअली मेडुसा मेरा फर्स्ट फेवरेट है, माय सेकंड फेवरेट फीमेल कैरेक्टर। आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर भी कर देना। ऊपर सनिंग आउट और एक वीडियो पे मिलते हैं, थैंक यू।